शनिवार की दोपहर को सरहदी बाड़मेर के गांव में ग्रेनेड के धमाके की गूंज दूर तक सुनाई दी, कई किलोमीटर तक सुनाई दी। इस धमाके की गूंज से हर कोई अचंभित नजर आया। दरअसल बाड़मेर के जैसिंदर गांव में बीते माह मिले जिंदा हैंड ग्रेनेड बम का शनिवार को आर्मी और पुलिस ने डिस्पोजल किया। सेना के मेजर सारस्वत शुक्ला के नेतृत्व में गडरा रोड पुलिस थानाधिकारी ओम प्रकाश मय जाप्ता इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहे। इस पूरी प्रक्रिया में हेड कांस्टेबल त्रिलोक सिंह और सुरेंद्र सिंह की अहम भूमिका रही। शनिवार की दोपहर को सरहदी बाड़मेर के गांव में ग्रेनेड के धमाके की गूंज दूर तक सुनाई दी, कई किलोमीटर तक सुनाई दी। इस धमाके की गूंज ने हर किसी को अचंभित कर दिया। दरअसल बाड़मेर के जैसिंदर गांव में बीते माह मिले जिंदा हैंड ग्रेनेड का शनिवार को आर्मी और पुलिस ने डिस्पोजल किया। सरहदी बाड़मेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे जैसिंदर गांव के स्कूल के पास बीते माह मिले जिंदा हैंड ग्रेनेड को शनिवार को डिस्पोजल किया गया। केंद्रीय विद्यालय जैसिंदर के पास मिले इस हैंड ग्रेनेड बम का सेना प्रोटोकॉल के बीच निस्तारण किया गया। सेना के मेजर शाश्वत शुक्ला के नेतृत्व में गडरा रोड पुलिस थानाधिकारी ओम प्रकाश मय जाप्ता इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहा। इस पूरी प्रक्रिया में हेड कांस्टेबल त्रिलोक सिंह एवं सुरेंद्र सिंह की अहम भूमिका रही। बीते एक माह से बम की निगरानी के लिए दोनों कांस्टेबल पहरा दे रहे थे। बम का निस्तारण करने से पहले सेना प्रोटोकॉल के तहत आसपास के इलाके को खाली करवाया गया और सेना ने लोगों को निस्तारण क्षेत्र में विचरण पर पाबंदी लगा दी। सेना के विशेषज्ञों की देखरेख में यह पूरी प्रक्रिया पूरी की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह के मुताबिक करीब एक माह से बम विद्यालय में पुलिस निगरानी में पड़ा था। शनिवार को मिलिट्री के साथ गडरा रोड पुलिस ने हैंड ग्रेनेड बम का निस्तारण किया। स्कूल के पास में एक संदिग्ध वस्तु मिली थी जो बम होना ऐसा प्रतीत हो रहा था। इस पर हमने वहाँ पे जाप्ता लगाया था और पिछले 20 दिन से वहाँ हमारे पुलिस कर्मी लगे हुए थे। सूचना पर हमने कलेक्टर साहब को चिट्ठी लिखी थी और यहाँ की जो लोकल मिलिट्री स्टेशन है उससे भी संपर्क किया था, तो उनका एक प्रोसीजर होता है उसमें कुछ समय लग गया, लेकिन वो कल टीम आ गई और टीम ने उसको जो एक्सपर्ट है बम डिस्पोजल टीम के स्क्वाड के, उन्होंने पुलिस जाप्ते की मौजूदगी में उसका डिस्पोजल किया। हाँ, ये संभावना हमेशा रहती है क्योंकि अपना बॉर्डर एरिया था और 65 और 71 वार्स के टाइम में कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो वो यदा कदा जब भी बाहर आती रहती है तो लोग कभी ऐसी संदिग्ध वस्तु देखे जो आपको अटपटी सी नई सी लग रही है तो उसको छुए नहीं और उसकी इतला पुलिस को दे दे ताकि उसमें एक्सपर्ट को बता के उसका प्रॉपर तरीके से डिस्पोजल किया जा सके। और उसकी वजह से कई बार हादसा होने की संभावना भी रहती है, कई बार लोगों की डेथ भी हुई है, तो लोगों से मेरी यही अपील है कि वो ऐसी चीज़ों को हमें इतला दें। पुलिस ने संबंधित विभाग को बम निस्तारण के लिए कई पत्र भी लिखे थे, लेकिन करीब एक माह बाद शनिवार को हैंड ग्रेनेड बम का निस्तारण किया गया। गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1965, 1971 और साल 1999 के ऑपरेशन पराक्रम के वक्त सरहद की सुरक्षा के लिए बम और बिछाई गई लैंडमाइंस कई जगह पर अभी भी जमीन के अंदर ही है। युद्ध के दौरान कई बम नहीं फटे थे, वह आज भी सरहदी इलाकों के खेतों से निकलते रहते हैं।